नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में वात निरोधक अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों पवन मुक्तासन समूह के यह अभ्यास हमें आगे आने वाले कठिन अभ्यासों की तैयारी कराते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन और अपचन की समस्या से ग्रसित हैं, वह लोग इन अभ्यासों को रामबाण औषधि के रूप में पाएंगे। दोस्तों इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लोग स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। आइए देखते हैं कि इन वात निरोधक अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इन वायु निरोधक अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे पैर घुमाना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं और इसके बाद ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, कम से कम 8 to 10 times ऐसे क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इन अभ्यासों को करने से हमारी कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं। और फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और इसके बाद ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। इसके बाद विपरीत दिशा में इस स्थिति में ध्यान रहे आपका हील जमीन को स्पर्श न करने पाए। फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे साइकिल चलाना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे अपने घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हो वैसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और हमारे पैरों की मांसपेशियों के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर इसके बाद ऐसे आगे से पीछे आपने ऐसे साइकिलिंग को प्रैक्टिस करना है। ऐसे इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। और फिर विपरीत दिशा में ऐसे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और फिर ऐसे आगे से और जितना पीछे आप ला सकते हैं ऐसे पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए आगे जाते हैं और पीछे लाते हैं। फिर विपरीत दिशा में और फिर इसके बाद हम करेंगे पैर मोड़ना को। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को या फिर अपने नाक को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 seconds ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इन अभ्यासों को करने से हमारे पेट में जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। और फिर ऐसे सीधे इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी नाक को या फिर अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 to 5 times प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे हिलना डुलना लुढ़कना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से
रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने सबसे पहले आपने सांस छोड़ते हुए ऐसे आपने बैठ जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं, अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, सांस अंदर भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही हिलना डुलना लुढ़कना को आपने कम से कम 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह अभ्यास हमारे शरीर को उजागर करता है। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों वात निरोधक अभ्यासों में अब हम करेंगे नौखासना को बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं, ऐसे पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं, ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इसके बाद इस नौकासना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कर लेना है और अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं, अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना है और अपने दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए और ऐसे और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं।